विवाह के बाद हम अपन धर्म ना बदलब। और दूसर हमरा साथ हमार कान्हा भी आगरा जाइए, वहां पे विधिवत उनकर स्थापना होगी, उनकर मंदिर बनी। मन में इतना पीड़ा लेके होठ पे मुस्कान लावल एक सच्ची वीरांगना के गुण बाजो था। हर लड़की ससुराल जात वक्त रुला के जाले, मगर तू तो रुला के भी जाबू, और हम सब के अपन ऋणी बना के भी। एकांत तू घबरावा मत जोधा, संतो रीवा और कई दासी तोहरे साथ जाए हैं, और केहू भी हो मासा, आप तो ना होखी है ना बापू सा, भाई सा, सुकन्या, शिवानी, दादी सा, ये सब तो हमरा पास ना होखी है ना। क्या कहले ये सब ना होखी है, हम सब हो खब ना तोहरे साथ। ये देखा ई तोहरा बहनन की ओर से तोहरा खातिर भी, ई हम रखब। जोधा ई चूड़ी हम पसंद कैले बनी, हम बड़ा बानी ना, हमारा अधिकार एकरा पे पहले बा। चूड़ी हम पसंद कैनी और रख जोधा ले ली, कोनो बात ना, तहार याद बन के रही ई चूड़ी हमरे साथ। हम तो राखी बांध दी ली, अब आप सबके बारी बा, बतावा क्या भेंट में दिए हमके। हमने सबके ओर से छुरी, ई कैसन भेंट है भाई साहब। ये छुरी सदैव तोहार रक्षा करी, तोहरा खातिर सुरक्षा कवच है। और ई दादी साहब, जीत गई नी दादी सा, हम आपके हरा देनी। अब शर्त के अनुसार आपके पास आ हमार भाई। हे भगवान, एक कोड़ा दाव में तुमसे केहू न जीत सकेला, एला सारा पासा तो हार भाई। ए ई तो की याद भी ना होखी ना जोधा, तहर बापू सा तारा पहला जन्मदिन पे बनवाए रहले तोरा खाती, पहला पहर तू ये कपड़ा पहने रहली, और आप कहाँ बानी मासा। देखा तू भी तो हमार परछाई बाड़ू, और परछाई वो कभी शरीर से अलग ना हो खेले, जब भी तू एकरा में देखबू हम के अपना आसपास पाइबू, रात की नींद सताई तो हमार लोरी सुनाई दी, जब भी सांस लेबू तो हमार आशीष सुनाई दी, के सदा जियत रहा हमार बच्चे,
जब बेटी घर से विदा हो खेली तो हर माँ आके कुछ ना कुछ सीख दे के विदा करेली, पर हमके तो मालूम ही ना बाकी वहाँ के तौर तरीका कैसन बा। तो हमके समझ में नहीं आ रहा बा कि हम तोहके का सीख दी जोधा। अपना बापूसा के एक बात हमेशा याद रखी कि भाग्य आपन योद्धा स्वयं चुनेला, और भाग्य ओही के चुनेला जब भाग्य से भागेल ना बल्कि उनके संवारे ले। तो भी अपना भाग्य के स्वीकार कर ल जोधा और उनके संवार ल, तो हरावे वाला जीवन सरल ना होगी जोधा, मगर एक सार्थक बनाई हा। कुछ लोग धर्म के मार्ग पे चले ले तो क्या अपन कान्हा कर्म के मार्ग देहले बाड़े ही, ओही निष्ठा से ससुराल में अपन कर्म निभाई हा। जे निष्ठा से मायका में तू हमेशा अपन धर्म निभाई ले बाड़ू मारी बच्ची। जला लिया आप। आपन ताहिन के बदला हम तोहरा से लेकर हम जला है। जनाब अधम खान के असलम खान के सलाम। हुजूर याद फरमोनी हा। एगो जरूरी काम रहे तोहरा से। फरमाई। के दुनिया से रुखसत करे के बा। तोहरा के जलाल के कत्ल करे के होखे। का फरमा रहल बानी हुजूर? उ शहनशाह वाले कोनो मामूली सिपाही ना, कत्ल करे तो दूर के बात, उनके पास भटके के भी मौका ना मिली। मौका मिलेला ना असलम, मौका ढूंढे के पड़ेला। देख रहल बानी हुजूर, पूरा ही फौज तैयार बा। यहाँ से एक कदम आगे बढ़ावे के मतलब खुदकुशी कैल होखी। हमसे ना होखी हुजूर। अगर तू जलाल के कत्ल ना करबा तो हम तोहर बीवी बच्चन के कत्ल कर दे। फैसला अब तोहरा हाथ में बा। पर जनाब ये फौजी घेरा कैसे पार कर पाई हम? वो तो हमरा पर छोड़ दा। हम सैनिकन के अपन बात में उलझा के रखा। तू नजर चुरा के जलाल के खेमे में दाखिल हो जाइया। और हाँ, याद रहे नाकामयाब रहला था समझला। जी हुजूर। ए सुना, नजर चौकन्ना रहे, दुश्मन के कोनो भरोसा नहीं खे, वो कभी भी अंदर घुस सकेला। यह वक्त हमने दुश्मन के इलाका में बानी, कुछ भी हो सकेला। We'll be right back.
ये बाके और एके यहाँ कैदी बना के काहे लाई गई बा। हमनी के दुश्मन वा महामंगा शहनशाह के कत्ल करे के इरादा से उनकर खेमा में घुसल रहे। हमार शक सही साबित भइल के केहू हमरा पे हमला करे चाहता। आपके दूर अंदेशी काबिले तारीफ बा शहनशाह, पर आपके ही शक कैसे भइल? खान बाबा हमके सिखैले रहले के शहनशाह पर हमला के उम्मीद किला में कम खुला में ज्यादा हो गेला। अभी हमरा के सच बताई कि केकरा के कहे पे ऐसन हिमाकत कैलस। बतावा ये का कहला आदम खान? तू उहे जन शहनशाह के वफादार के करे के चाहिए, शहनशाह के हिफाजत। ई शहनशाह के कत्ल करे के कोशिश कैला सा तोहरा का लगल हमें के यहां से जाए दे ई फिर से हमला करत था? शहनशाह के सलामती हम सब चाहिले, ले लेकिन ओकरा खातिर हम शहनशाह के सलामती चाहेला तो पुख्ता इंतजाम करे के चाहत रहे। अगर ओ वक्त शहनशाह अपन खेमा में होखतन तो जानत बड़ा का होखत। पर हम वहां ना रहनी अधम। अपन दुश्मन के शिकस्त देवे खातिर हम पहले से ही तैयार हो खेली, और तू अच्छा तरह से जानेला अगर हम वहां होती तब वो ही हमार कुछ ना बिगाड़ पावत। अधम ऊ कैलस जो नेगो वफादार के करे के चाहत रहे, और आप सब ऊ करी जो नेगो वजीर के करे के चाहे। पता लगाई कि हमनी के बीच उके बाजे हमनी से गद्दारी करे चाहता, जे हमार निकाह के जश्न के हमार मातम में बदले चाहता। शहंशाह सहराबंदी के इजाजत बा। जल्दी तैयार करे जोधा के, बारात आवे के समय हो गेल बा। और ये शिवानी कहाँ रह गेली? और के अपना बहन के पास होके की चाहिए। शिवानी हम आ गए नी मासा। अब अच्छा जी जी बताई हम कैसा लग रहा है बानी? का है तोहार ब्याह बा? अरे जेकर ब्याह बा ओके सजे दना। पर जी जी हम तो अब तो चुप कर, हम के जी जी के तैयार करे दा। जल्दी से वहाँ से मांग टीका लेके आ जा। हाँ। हो गली जीजी तैयार। अब जरा एक बार दर्पण में देखला, देखला कोनो कमी ना रह गई होके।
जमाईसा एकरा में सगुन के सिक्का डाली विराजी। हम अभी उपस्थित होता नहीं। भगवान दास शीघ्र अति शीघ्र जलपान की व्यवस्था करा। जी बापू साहब। गुस्ताखी माफ शहंशाह का सारा रसम इनकर मुताबिक होगी। कर लेवेदा इनके इनके दिल के यहां रसम इनके हिसाब से होखेदा। आगरा पहुंचे में कितना देर हुआ वहां सब कुछ हमार तौर तरीका से हुई। क्यों के आतिथ्य में कोनो कमी ना होके पावे सबकर स्वागत रस और मिठाई से करा। नजर निख्या हुआ तोहरा हम भी बाराती बानी शहनशाह के बहनोई बानी। हम क्षमा करी हुकुम भूल हो गए जरा से नया बा आप आदेश करी का सेवा करी हम आपके। जा जाके काम करा और दोबारा इनके अपन शक्ल में दिखाइया। जा कमाल खान ये नौकर अभी गई है एकर शकल कुछ जानल पहचानल नहीं लागत। हम तो ओकर चेहरा देखबे ना केनी हुजूर। विधि खातिर वर के पिता आगे आ जाएं। मुआफ करी हमार वालिद के इंतकाल हो चुकल बा। आपकी ओर से कोनो और पुरुष जे विधि के संपन्न कर सके। बड़म्मी हमार वालिदा जैसन ही बड़ी उनाते उनकर बड़ बेटा हमार भाई बड़े वीर रसम आदम खान निभाई है। सर
सर्वप्रथम आवे वाली बहू के स्वागत आरती से करे के होखी, ताकि उन पर कोनो कुदृष्टि होखे तो वो दूर हो जाए। ओकरा पश्चात आपके बहू के एगो भेंट देवे के होखी। आगे बढ़ी। ऐसे ना आदम खान जी, दोनों हाथ से और बाएं से दाहिना ओर। अगर आप लोगन के सारा रस्म हो गए होखे तो कुछ रस्म हम हमार भी निभा ली। हमरे यहाँ होखे वाला बहु के ई तावीज बांधल जाला, ताकि ओके कोनो बुरी नजर ना लागे। अल्लाह शहजादी के हर मुश्किल से दूर रखे। शहजादी के नजराना नजर की हल जाए। अब वर वधु आपन पूर्वजन के प्रणाम करें, आपन आपन वंश नाम या गोत्र बताएं। हम मानव गोत्र से बनी। और हम तैमूर लंग के खानदान से बनी। यूनिस खान, बाबर आजम, शाह हुमायूं के खून हमार रग में बहेला। शहंशाह जलाल के बराबर ही केहू ना कर सकेला। पूरा जहां में नहीं खे, बहुत गहरा जड़बा इनकर खानदान के। दुरुस्त फरमाईनी आप बड़म में। नौकर हर बार हमरा से बचे के कोशिश काहे कर रहल बा। पहले नजर चुरावत रहे, अब देख के भाग गए। ये बाकी कहीं सूजा मल तो नहीं खे?
अब पानी ग्रहण विधि शुरू होगी। वरवधु अपने स्थान बदल लेवे। वरवधु अपन हाथ आगे लावे। राजकुमारी अपन हाथ वर के हाथ में दी। माने की पड़ी, यहां के बंदी सब कमाल के बाड़ी। एडम, आप हमरे साथ आई, आपसे कुछ गुफ्तगू करे चाहत बानी। अम्मी जान, ये आप का करता नहीं? चुप, खामोश। हमसे आवाज ऊंचा करके बात मत करी हो। पहला तमाचा हम ही खातिर मरले, कहे कि आपके निकाह गलत वक्त पे गलत जगह पे रहे। शहंशाह के निकाह में उनके रुतबे के ख्याल ना रखा गद्दारी मानल जाला। और दूसरा तमाचा हमके ओही वक्त मारे के रहल, लेकिन मौका ना मिलल। ये अब का बात करता नहीं, का भेल? तू लोगन के फर्ज रहे कि शहंशाह के मर्जी के बिना उनका खेमा में परिंदा भी पर ना मार सके। तब फिर वो गुस्ताख कातिल उनका खेमा में घुसल कैसे? हम जे पूछ रहल बानी उस सवाल के जवाब दो, वरना ही झुकल सर कट भी सकेले। सोवत रहला तू लोग ना? गुस्ताखी माफ वजीर आलिया, एक पल आंख ना झपकल। जनाब अधम खान खुद तसल्ली करे आयल रहले। अधम खान? वो तो अच्छा भल जलाल गुनहगार ढूंढे के जिम्मा हम पे सौंपले रहल। वरना ई वक्त ई निकाह के लुफ्त उठावे के बजाय आप कोनो कैद में होते या फिर कोनो कब्र में। ये आप का कहता नहीं अम्मी जान? जलाल के सलामती के फिकर हमके भी बा, हम सिर्फ अपन फर्ज निभावता नहीं। आप अपन फर्ज ना अपन इंतकाम पूरा कई गई रहले। अधम खान आप यही खातिर वहाँ गए रहले ताकि आप सिपाहियन के गुमराह कर सके और आपके गुलाम असलम खान यही मौका के फायदा उठा के जलाल के खेमा में घुस सके। सही कहत बानी हम? मरे के इतना ही शौक हो रहल बाद हम तो जहर खा लो, पानी में डूब मरा या फिर खंजर भोंकला अपना सीना में, लेकिन बेवकूफी करके अपना और हमरा मरे के इंतजाम मत करिया। जलाल के खिदमत करत करत सफेद यावे लागल बा हमार बाल में, अब एकरा पे कॉलिक मत लगे दिया। ए रुका, वहाँ लाल और पीला दुपट्टा में के बाड़ी? मोती भाई और रिबा भाई, राजकुमारी जोधा के दासी बाड़ी। जा मोती भाई।
वरवधु फेरा खातिर खड़ा हो जाए। अब सप्तपदी के विधि आरंभ करें। राजकुमारी जोधा, आपके वचन लेवे के होखी। जोन हम कहता नहीं वो आप दोहराई। हे देव, हे देव, आप सही हमार सौभाग्य बा। आप सही हमार सौभाग्य बा। पूर्व जन्म के विदित कर्मन से ही आप हमार पति भैल बानी। पूर्व जन्म के विदित कर्म से ही आप हमार पति भैल बानी और हम तुहार वधू भैल बानी और हम आपके वधू भैल बानी। आप लोग स्थान ग्रहण करें। शहंशाह, आप राजकुमारी जोधा के मांग में सिंदूर भरी। एकरा पश्चात जोधा विधिवत रूप से आपके पत्नी मानल जइहन।
मन मत छोटा करे मैनावती, माँ भवानी जोधा की रक्षा करी है। छोटा तो हम पड़ गए बानी मासा नियति के सामने, शगुनी बाई के भविष्यवाणी गलत साबित करे के खातिर लाख प्रयास कैली हम, मगर उनकर कह सच साबित हो ही गई। हम नियति के सामने हार गई मासा, हम कुछ न कर पैली मासा, कुछ न कर पैली। हमार जूती कहाँ बा? केकर इतना जुर्रात जे शहनशाह के जूता चुरावला? पहले भी केहू गुस्ताखी कैले रहे, शहनशाह ओकर पैर कटवा देले रहले। अब केकर पैर के बारी बा, के कैलस ऐसन हिमाकत के हमार जूती चुरावे की गुस्ताखी कैलस, ओकरा फौरन हमरा सामने पेश कैल जाए, वरना हम ओकरा ओकर पैर पे खड़ा होके के लायक ना छोड़ब। के बड़ू तू लोग? हम आपके साली बानी, ब्याह में जी चाची के जूता चुरावल जाला और फिर नेग लेके उके लौटावल जाला। नेग का हो खेला? जूता लौटावे के बदले जीचा अपना सालियन के भेंट दे ले, अगर भेंट ना मिलल तो जूता भी ना दे बाप के। और अगर हम नया जूती ले लेनी तो हम वापस चुरा ले। तका कीमत चुकावे के पड़ी हमके हमार जूती वापस लेवे खातिर? सब करा खातिर एक एक गुड़िया। अरे मूर्ख, ये बहुत बड़ा राजा बाड़े, इनकरा पास बहुत धन बा, इतने से काम ना चली। हमके तो बहुत सारा खिलौना और गुड़िया चाहिए। आप हंस के हमनी के उपहास ना उड़ा सकेली फूफा सा, ये हमनी के परंपरा के अपमान हा। हमरा सामने खड़ होके के कमाल बहुत कम लोग कर पावेले, आप कर दिखाईनी छोट राजकुमार। शरीफुद्दीन, सांभर में जितना भी खिलौना के खेमे बा, उनकर सारा खिलौना खरीद लिहल जाए, और इनके नजर करी, इतना काफी बा? ना ना, पस्ते भी चाहिए और मिठाई भी। सुनला तू शरीफुद्दीन? जी शहंशाह। और आपके नजराना मतलब नेग आपके बाद में मिली छोट राजकुमार, फिलहाल छोट सहजादा हमरा के हमार जूती वापस दई है, जूती दे दिहल जाए।
जोधा जीजी, जीजा सा कितना अच्छा बाड़े। हाँ, कितना सारा भेंट देले हमने के, और गोरा चित्ता भी बाड़े।